अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो ये स्टोरी थोड़ी अलग है और इसको हम रिकॉर्ड भी कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। ये है मेरा डे फोर, इसका डे टू। डे फोर कैसे, क्योंकि अभी बोथ हैव कोविड और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और इनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। हुआ कैसे, 4 दिन पहले से मेरा ये हालात स्टार्ट हुए। मेरी तबीयत ख़राब थी और वीकनेस तो नहीं हो रही थी, मतलब बॉडी में पेन हो रहा था, नाक में जलन, आइज में जलन, यहाँ पे पीछे दर्द। और इसके बाद जब ऑफिस में मैं जा रहा था, चीज़ों में ये वाले सिस्टम मुझे दिख रहे थे। जब हुए तो ऑफिस वालों ने मुझे निकाल दिया। अभी निकालने से बोले बेटा कर जाओ और टेस्ट वेस्ट करवाओ। जो हमने टेस्ट करवाया था पॉजिटिव आया। जब जिस दिन से पॉजिटिव आया उस दिन से मेरा टेस्ट भी चला गया, स्मेल भी चली गई। अब यही सिम्टम इनके साथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये इनका दूसरा दिन है और वही जो मेरे शुरू वाले सिम्टम्स थे वो इनके पास आ रहा है। बॉडी एक जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है इसमें, मतलब वी कुडंट एक्सप्लेन के कितना पेनफुल होता है ये टाइम। लेकिन माइट बी रहना चाहिए, गुजर जाए, मेडिकेशंस और ताकत की चीज़ें आप प्रॉपर लेते रहें। मेक श्योर करें कि हम जिनको बड़ा सोशलाइजेशन का शौक है, लाइक मी, लाइक हिम, आसान नहीं होता अपने आप बिल्कुल आइसोलेट कर लेना, चाहे वो कॉल्स पे बातें करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और डिनर स्किप करना एंड ऑल द थिंग्स विच इज़ नॉट रियली ईजी इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ इट। तो बेस्ट ऑफ लक। चले हम इसमें गाइड करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम अखरोट खा रहे हैं बैठ के, विच इज़ हेल्दी थिंग। फिर जो मेडिसिन वगैरह है दूसरी स्टेप में बताएंगे। ये टोटल वीडियो हम एक साथ कंपाइल करेंगे और नेट पे डालेंगे, अगर हम दोनों सही हो गए तो, नहीं हुए तो समझो ये वीडियो नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो 10 दिन के लिए हम रूम के अंदर कैद हैं, 15 दिन के लिए मिनिमम। तो लेट्स सी क्या क्या करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करते करते हम आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे एंड में। चलो सिया सी। अब मैं बाकायदगी से हाथ धोता हूँ, पहले धो लेते तो शायद कोविड नहीं होता, खैर लेकिन कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। तो आज हम हमारा आइसोलेटेड खाना खाते हैं बाहर जाके। चलो मैं जरा 10 सेकंड तक हाथ धोलूँ, नहीं 10 नहीं, सुन रहे तो 1 मिनट तक होता है, सॉरी 20 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है। ओके चलो 20 सेकंड हाथ धोता हूँ, फिर बाहर खा लेगा। ओके बाय। पहले दिन का खाना कोविड खाना, टेस्ट किसी चीज़ का नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी बैठ के खाएंगे क्योंकि भूख तो लगती है दोस्त, सीधी सी बात है। और ये हमें टिफिन की तरह आ रहा है, अब क्या करें, मजबूरी है। अस्सलामुअलैकुम, जैसे बैठा ये देखें ये नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, चाय उबले हुए अंडे और इस तरीके से नाश्ता है। अभी थोड़ी देर बाद हम सूप लेंगे, तो टोटल गर्म चीज़ें, और इसके बाद दवाई लेंगे। दवाई का पैकेज आपको हम थोड़ी देर में बात बताएं किस तरह की हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ताकि थोड़े से इन्फॉर्मेटिव हो। जो इनके मेरे मामू ससुर, हाँ इनके मामू, इन्होंने लिख के दिए, ही इज कार्डियोलॉजिस्ट और एक है ऑनकोलॉजिस्ट। तो इनके मिली जुली रिकमेंडेशन के साथ दवाइयाँ आई हमारे पास, वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हम थोड़ी देर में आपको शो करते हैं। माशाल्लाह हम मेडिकेशंस के बाद तो कुछ काफी बेहतर फील करना हमने शुरू कर दिया है। अभी तक हमने टेम्परेचर जो है वो फेस नहीं किया ज्यादा, बस विद इन 2 डेज एंड 3 डेज वी हैव फेस इट। हाँ, स्टिल सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जो है वो अभी तक लॉस है, टोटल लॉस है। तो बुखार हमारा अब नहीं है, बॉडी एक है, माइनर सब ब्रीदिंग इशू है, माइनर इतना कोई खास नहीं। और यस, टेस्ट और स्मेल दोनों लॉस्ट हुए हैं अभी। तो 5th डे फॉर मी, 3rd डे फॉर हर, और इसके बाद देखते कितना जल्द खत्म होता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में ये सेंस हमारे वापस आ जाए, हम टेस्ट करवाएं और यहाँ से बाहर निकले। और व्यूअर्स को एक सजेशन है कि हम लोग जितना सोशली भागते हैं ना लोगों से, कि हम लोगों के साथ ना रहे, बिलीव मी जब नहीं रहते ना तब महसूस होता है कि वॉट वी आर फेसिंग रियली डिप्रेसिव टाइम होता है ये, और ये आप किसी को बता भी नहीं सकते कि कैसी अजीब सी फीलिंग। तबीयत अभी सही है, जितने बचे हुए काम आपके रिलेटेड टू योर वर्क यहीं से बैठ के निपटा ले, ज्यादा अच्छा होगा। चले सिया, ओके। कोविड सिचुएशंस के अंदर ये कुछ प्रिस्क्रिप्शंस एंड कुछ हमारे पास मशीनरीज हैं, जिसको आप जब भी अगर किसी कोविड सिचुएशन में आते हैं तो आपके पास ये चीज़ें लाजमी होना ज़रूरी। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक नेबुलाइज़र है, तो आपका जो भी बलगम वगैरह है या आपके जो कंजेशन है वो ख़त्म करने के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरा ये जो है हमारे पास है पल्स ऑक्सीमीटर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ये पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपकी सेचुरेशन और आपकी पल्स रेट जो है वो देखने में हेल्प कर रहा होगा कि कितनी आपकी इस वक्त, ताकि आप अगर अल्लाह ना करे सेचुरेशन आपकी ड्रॉप हो रही हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकें अपने आप को। दूसरा ये कुछ जोशानदा, और यहाँ पे हमारे पास यखनी है और विटामिन सी के लिए किसी 1000 है, सो यू हैव टू टेक इट। लेकिन अगेन ये सब प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको किसी स्पेशल डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करता है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, पीडीएमएस सिंध
सुबह से मुझे सिंध सेक्रेटरी से दो कॉल्स आई हैं मेरी तबीयत पूछने के लिए, मेरी हालत कंडीशन पूछने के लिए, और इसके अलावा एक मैसेज भी आया है कि अगर आपको खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी होती है तो आप 1021 और 1024 पे फ़ोन कर सकते हैं अर्जेंट असिस्टेंस के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है अगर किसी को कोविड होता है तो अच्छा टेक केयर करती है। डॉक्टर ने मुझे दो दफ़ा कॉल करी, मेरे सिम्टम्स पूछे, मेरी कंडीशन पूछी, सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि आप सही टेक केयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों का, इस तरह ही करते रहें, और इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड साइन कि कितना ख्याल रखा जा रहा है कोविड पेशेंट का। तो भी है हमारा नेबुलाइजर टाइम, अली जो है वो भी मसरूफ़ है, मैं थोड़ी सी रूम क्लीनिंग के अंदर मसरूफ़ हूँ, तो उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह जो है वो नेबुलाइज करूँगी। तो नेबुलाइज और स्टीम ट्वाइस इन अ डे विच इज़ नेसेसरी, तो लीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। अली अब इन्जॉय करें, गुड, ही इज़ राइट नाउ वेरी बिजी इन नेबुलाइजिंग, सो टाटा। तो ये हमारा लंच टाइम है, तो मम्मी मेरी है जो बाहर खाना पूरा बनाती है और ये टोटल पैक करके हमें दे देती है, और फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा हमारे बर्तन है उसमें हम लोग उसको खोल के यूटिलाइज करते हैं और ये बर्तन फिर यहीं पे रहते हैं अंदर, तो अदला बदली नहीं होती। बाहर से मेरी मम्मी सारा खाना पैक वगैरह करके हमें सारा अलग से थैलियों में दे देती है और डिस्पोजेबल चीज़ों में दे देती है, तो फिर हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि कम से कम चीज़ें जितनी हो सके यहाँ वहाँ हों, और बाकी सारी चीज़ों के लिए दूसरी चीज़ों के लिए हमारे केटल केटल्स वगैरह किटली अवेलेबल है जिसमें हम सूप भी पीते हैं, क्यों कहते हैं जो शानदार है यकनी है, वो सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं, जब वो करेंगे तो भी वो भी मत दिखाएंगे। Hey, so I'm a little busy in my work now. कोविड का मतलब ये नहीं है कि आप लोग टोटली पैक हो जाएं और हर चीज़ को छोड़ देने, कोविड इज़ अ ब्लेसिंग इन अदर वे, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी आपके पास अवेलेबल है और कहीं से भी कोई भी एक्सेस करके कंप्यूटर के थ्रू काम कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कनेक्टेड विद माय ऑफिस, मैं मीटिंग में भी हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ इस वक्त, और मेरी वर्किंग स्टॉप नहीं हुई। यस, अगर मैं कहीं ना कहीं मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं पॉज ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन काम कंटिन्यू है स्टिल मेरा, तो यू गाइस कैन एंजॉय दिस लाइफ एज वेल, थैंक यू। खैर ये कल से टाइम, और मैडम मेरी तैयार हो रही है वेबिनार के लिए, और जब वो बैठेंगी तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या बच्चों को सिखा रही हैं। इसके बाद है फिर हमारा गर्म गर्म सूप टाइम, और फिर रात को डिनर टाइम, और इसमें अभी हमें स्टीम भी लेनी है। तो ये एक कोविड की प्रैक्टिस हमने अपना ली ज़िंदगी में फॉर द 10 डेज, लेट्स सी फिर आगे कैसे हालात रखते हैं। ये मेरी बेगम का वेबिनार चल रहा है, स्टार्ट होती है, ठीक है, इसका टॉपिक है। तो अब हमें जो है वो फर्दर हम देखते हैं क्या हम क्या क्या करेंगे। 31 स्टूडेंट्स सो फार व्हिच इज नॉट गुड, तो आप ये देख सकते हैं कोविड में बैठे-बैठे भी हम काम कर सकते हैं, तो देयर इज नो सीखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहानेबाजी है जिंदगी में काम होना चाहिए, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब है हमारा यखनी टाइम, तो ये है इनका कप और ये है मेरा कप, यस वी आर चीयर्स एंड वी आर हैविंग फन विद यखनी बिकॉज अभी कुछ है नहीं, तो अली इंजॉय कर रहे हैं यखनी आप? हाँ, पहले ऑरेंज कुछ पिया था, कैल्सी, अब ये कुछ कह रहे हैं यखनी, इसके बाद हम कुछ और भी पियेंगे, तो ये कोविड सिचुएशन है, कोविड रूटीन है, तो इसको इस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी तो आपको ये एक्टिविटी जो है वो हो जाएंगे निकलते हुए शायद, आई डोंट नो, लेट्स सी, मुझे नहीं लगता लूज करता है, तो लेट्स सी, फिलहाल तो कोविड को भगाते हैं। कोविड में ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अम्मा की मोहब्बत में ये मिला हुआ है, तो वी आर ईटिंग, कोई मसला नहीं है, हेल्दी चीज़ें को आप ईट कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनदर डे इन कोविड, तो आज जुम्मे का दिन है, हालत मेरी बहुत ख़राब है, देखिए तो सोचा थोड़ा इंसान बना जाए, वही रूटीन हमारी चल रही है वैसे ही, लेकिन अलहमदिल्ला तबीयत काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, और ये मेरा 6th डे है सो फार, और इसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन और है मेरे पास, 10 डेज तो मिनिमम होते हैं, अगर मेरा टेस्ट और स्मेल वापस आ जाती है, जो कि मुझे लग रहा है माइनर वापस आना स्टार्ट हुई है, मुझे हल्की हल्की सी स्मेल आना स्टार्ट हुई है, और टेस्ट का मैं अभी कह नहीं सकता, वो मिक्स है, तो जैसी ये चीज़ें होती है तो आई विल गो फॉर द टेस्ट अगेन, सो लेट्स सी उसमें क्या होता है, लेकिन कंडीशन अच्छी है। इसमें फ़ायदा है कि नमाज़ें पढ़ने का टाइम प्रॉपर है हमारे पास, बुक्स रीड करने का टाइम प्रॉपर है, जो बचे हुए काम है उनको करने का हमारे पास प्रॉपर टाइम है, सो वी आर डूइंग गुड सो फार, सो नो वरीज, तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, सी। हाँ जी, फ्रेश हो गए काफ़ी दिनों बाद,
बड़ा अच्छा लग रहा है, शीरिंग में तो हो गई, ये देख रहे ये कम हो गया था ना, ये कैसे कम होगा, क्योंकि बेगम मेरी एक्सपर्ट होगी बाल काटने पर, यू नो नाई भूखी कभी नहीं मरेगी, तो यू नो वेरी गुड, घर पे बैठे बैठे नाई भी मिल गया मुझे, शीरिंग हो गई, सुकून से साफ सुथरे भी हो गए, अच्छे लग रहे, जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है और बहुत मुबारक तरीके से दिख रहे हैं, नून नून आ गया थोड़ा सा। चलो जी, कोविड के इस दिन में हम आगे बढ़ रहे हैं और तबीयत अलहमदिल्ला काफ़ी बेहतर है, सो लेट्स सी आगे क्या रहता है। सो व्हाट आई एम करेंटली डूइंग इज एडिटिंग माई वीडियोस, जो हम लोग फैमिली के साथ गए थे पाकिस्तान टूर, क्योंकि डेली रूटीन टाइम में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम एडिट कर पाए, तो बस ये जो टाइम मिला है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, जो बचे हुए जितने काम है ना हमारे, समझ हम इस कोविड के सिचुएशन में निपटा रहे हैं बैठ के, तो बस इसके बाद ये वीडियोज़ रेडी हो जाएंगी, तो आई विल अपलोड सून, और इन बिटवीन इसी वीडियो से जब ये वीडियोज़ आ गई होंगी तो इसके बाद ये वाली वीडियो आएगी जो कोविड की बन रही है। तो सी या सो कुछ टाइम हमें विटामिन सी के साथ भी गुजारना है, विच इज़ साइट्रिक एसिड, तो ये जो है वो आपकी हेल्प करता है आपको डिजीज से क्योर करने में, तो हम इसीलिए एक नेचुरल विटामिन सी ले रहे हैं जो कि है ऑरेंजेस, तो इंजॉय कर रहे हैं अली आप ऑरेंज के साथ, इंजॉय विद कोविड एंड ऑरेंज, बहुत खट्टा खट्टा लेकिन बहुत मजे का है, तो हमें अच्छा लगता है, तो वी आर एंजॉयिंग इट। ये बेगम का ड्राई फ्रूट के खाने का टाइम, अपने ड्राई फ्रूट टोटल अलग कर दिए हैं इसने, हाँ ये मेरा हिस्सा है क्योंकि मेरे मियाँ जी जो है मेरे हिस्से पे डाका डालते हैं, सॉरी मुझे लाइव बताना पड़ेगा ये बात, तो अब ये है कि मैंने अपना टाइम बचाने के लिए, कचरा कम करने के लिए, मैंने अपनी जो जार है उसको फिल करके रख दूँ, तो ये मुझे अच्छा भी लगता है और पसंद भी है, बस कंट्रोल करना मुश्किल होता है थोड़ा, तो इट्स गुड इन अ कोविड सिचुएशन, तो अपनी अपनी चीज़ें अपने हिसाब से मंगा के खा सकते हैं, शुक्रिया। यस दिस इज़ माई फर्स्ट रिपोर्ट जिसमें आई हैव बीन डिटेक्टेड पॉजिटिव, और जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ इज़ अ वायरस इज डिटेक्टेड इज इंडिकेटेड सर्वियट एक्यूट रिप्रेसरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये मुझे नहीं पता लेकिन कहते बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो ये है 22 तारीख की रिपोर्ट सो फार, और आज है 26, चार दिन हो चुके हैं रूम के अंदर, और ये स्टार्ट हुआ था मुझे तकरीबन थर्सडे से, तो ये तकरीबन मुझे 8 दिन हो चुके हैं इसके ऊपर सो फार, सो अल्लाह करे अब जल्दी ख़त्म हो जाए, अब थक गए रूम के अंदर बैठे बैठे। हम बना रहे हैं जो शानदार फॉर मी एंड अली, ताकि एक और कुछ हेल्दी, कुछ गर्मा गर्म जो है आपकी प्रिकॉशंस के लिए आपको हेल्प करेंगे, सो इंजॉय कीजिए, हम भी कोविड इंजॉय कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं इंजॉय हो रहा फिर भी, सॉरी। अस्सलामुअलैकुम। सो कल कुछ ऐसा हुआ कि सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी रात को, जिसकी वजह से हमने फ़ैन को ऑन किया और विक्स नाक में लगाई, एसी भी कोशिश करी लेकिन एसी का इसमें सोल्यूशन बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि एसी में सफोकेशन जो है वो ज़्यादा फील होना चाहिए, स्टार्ट हो गई थी। अभी तक स्मेल और जो टेस्ट है वो बहुत मिक्स एंड मैच टाइप का है, मतलब आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, तो मुझे दूर दूर से स्मेल आ रही है कुछ चीज़ों की, और खाने में जाऊँ तो हल्का फुल्का सा टेस्ट आना स्टार्ट हो गया सो फार, तो विच इज़ अ गुड साइन कि आई एम ऑन द रिकवरी साइड एंड शी इज़ ऑल्सो, सो अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ सफोकेशन में जब हो तो फैन खोल दिया करें, विक्स का इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन अगर आपके पास ना हो और ऑक्सीमीटर से अपने आप को ट्रेस करते हैं। एग्जैक्टली, सैचुरेशन जो है वो आपको कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करना है, ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सैचुरेशन है वो 95 से नीचे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बस, तो ये छोटा सा मैसेज है, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, आज ये तकरीबन 9 डे हमारा, अभी तो सूप पी रहे हैं आज, मतलब लास्ट 2 डेज से कुछ ऐसा हो रहा है कि हमने मेडिसिन जो ली थी, हमने तकरीबन 5 से 6 दिन की ली थी, वो ख़त्म हो गई, और जब वो ख़त्म हुई तो उसका बॉडी पेन काफ़ी हो रहा है लास्ट 2-3 डेज से, अभी मेडिसिन की वजह से है या आखिरी दिनों में कोरोना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव दोबारा हो जाता है, आई डोंट नो, तो ये तो नहीं पता, लेकिन हम अपनी जो रूटीन आइटम है उसको कंटिन्यू करके बैठे हुए और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और पॉसिबल है मेडिसिन को दोबारा हम स्टार्ट कर दें, और 10 डेज के लिहाज से जो कि सिंस सेक्रेटरीट से भी हमें हिदायत मिली हुई है कि 10 डेज आपको आइसोलेट होना है, तो 10 डेज कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा टेस्ट करेंगे, तो फिलहाल की अपडेट है। हाँ जी, तो कल हमारे 10 दिन पूरे हो जाएंगे लेकिन स्टिल वी आर इन कोविड, तो आज है न्यू ईयर, अब न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं, कोविड में बैठे बैठे मना रहे हैं, बाहर पटाखे फट रहे हैं, और हम ये हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या हुआ था एक हादसा, उसकी मूवीज देख रहे हैं,
चार साल पहले, तो हो गया गुजर गया। और ये दूसरा हादसा मेरे साथ कोविड, पहला बराबर बैठो और दूसरा कोविड के साथ हम एंजॉय किया। ऑल द व्यूअर्स ऑफ टू क्यूरियस एक्सप्लोरर्स, हमारे प्यारे एक्सप्लोरर्स को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम अस एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। कोविड न्यू ईयर, कोविड न्यू ईयर। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो कोविड हमारी लाइफ से तबाह बर्बाद हो चुका होगा, हो जा चुका हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद है। तो स्टे ट्यून और बहुत सारी क्यूरियस वीडियोस के साथ हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अली का खर्चा कराना भी बहुत सारा बाकी है। हाँ, और ये कोविड की वीडियो चल रही है और कोई वीडियो नहीं चल रही, तो हमें बता रहे अभी कोई अपडेट नहीं है, हालात बिल्कुल अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी सी बीमार थी और दवाई वगैरह लिए हुए हैं, चल रहे हैं। 10 दिन कल पूरे होंगे, फिर भी 14 डेज पूरे करने हैं, अल्लाह जाने, देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।